और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक और सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे, कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मोहर लगने की संभावना बनी हुई है, कई प्रस्ताव इस बैठक में पारित हो सकते हैं। तो आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है, और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का, लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, आज कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि आज की बैठक में पारित हो सकते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में जो नतीजे आए उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक पहले भी हो चुकी है और आज एक बार फिर से सुबह 11 बजे से लोक भवन में कैबिनेट बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें तमाम सारे जो मुद्दे हैं जनता के हित से जुड़े हुए उसको लेकर तमाम चर्चाएँ की जाएंगी, तमाम जो प्रस्ताव हैं वो पास करने का काम किया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, तमाम जो क्योंकि समीक्षा बैठक जो की गई चुनाव हारने के बाद, उसमें तमाम सारी जो कमियाँ निकल के आई हैं उसके आधार पर योगी सरकार काम कर रही है, उसके आधार में पूरा एजेंडा और फीडबैक तैयार की जो फीडबैक लेके आगे का रोड मैप है वो तैयार करने का काम किया जा रहा है, जो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, डिफेंस कॉरिडोर बनाने की जो बात हो रही है उसके क्षेत्र में हो, इसी के साथ मेडिकल सुविधाओं को बेहतर करने के लिए, किसानों के लिए और एजुकेशन पॉलिसी को और बेहतर करने के लिए, इन तमाम सारे जो विभाग हैं उनके जो मंत्री हैं वो अपने अपने प्रस्ताव रखेंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक दर्जन से ज़्यादा जो प्रस्ताव है वो आज पारित हो सकते हैं, लेकिन 11 बजे से बैठक शुरू होगी, लगभग 12:30 से 1 बजे तक ये बैठक चलनी है और 1 बजे के बाद कुछ अच्छी खबरें यूपी के लोगों के लिए निकल के आ जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।